नमस्कार, आदाब। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। अयोध्या जमीन घोटाला, सरकार ने दिए जांच के आदेश, विपक्ष ने कहा ये महज दिखावा। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर दी गई हथियारों की ट्रेनिंग, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बातें। पंजाब में किसानों को सीएम चन्नी ने दिया आश्वासन, आंदोलन पर 24 दिसंबर को फैसला। और कोरोना अपडेट, 24 घंटों में 7000 से ज़्यादा नए मामले, ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 280। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर अयोध्या से। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के पास की जमीनें कथित रूप से भाजपा के विधायकों और प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा औने पौने दामों में खरीदे जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने राजस्व विभाग को मामले की गहराई से जांच करने की आदेश दिए हैं। मगर बीएसपी, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसे महज दिखावा बताया है। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की खोजी रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में विधायकों, महापौरों और आयुक्त, एसडीएम और पुलिस डीआईजी के रिश्तेदारों तक ने बेहद कम दामों में ज़मीनें खरीदी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसमें हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। साथ ही कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार की तरफ से बिठाई जांच को सिर्फ दिखावा बताया है। साथ ही प्रियंका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर उसके आदेश के बाद ही बनाया जा रहा है। अब उत्तराखंड। उत्तराखंड के शहर हरिद्वार का एक नफरत भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्ववादी संगठन हिंदू युवा वाहिनी की धर्म संसद का है, जिसमें युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें भी की जा रही हैं। इसमें हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी अन्नपूर्णा ने तो ये तक कह दिया है कि हम सब मिलकर इनके 20 लाख मार देंगे तो विजयी कहलाएंगे। कॉपी किताब रखो, हाथ में शस्त्र उठा लो। 20 लाख कहकर किस समुदाय की बात की जा रही है, ये शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 दिन हो गए हैं इस सभा को और अभी तक इस सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इस पर कार्रवाई होने की उम्मीद तब ख़त्म हो जाती है जब पता चलता है कि इस तथाकथित धर्म संसद के मुख्य अतिथि कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह थे। इस सभा में सब लोगों ने बाकायदा शपथ ली है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बनाए रखने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो कत्ल भी करेंगे। ये सब हुआ है उत्तराखंड में, जहाँ कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब पंजाब। पंजाब में 20 दिसंबर से एक बार फिर किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। किसानों की मांग है कि जो वादे सरकार ने किए उन्हें पूरा किया जाए। इन मांगों में कर्ज माफी, किसान आंदोलन के दौरान मरे किसानों को मुआवजा, किसानों पर लगे मुकदमे वापस शामिल हो। आंदोलन के चौथे दिन 23 दिसंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान नेताओं से मुलाकात की और सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस तरह की मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के नेतृत्व में किसान पंजाब के सभी जिला सचिवालयों के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकेयू उग्राहा ने 20 दिसंबर से जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं। बीकेयू ने अपने प्रदर्शनों को 24 दिसंबर तक चलाने का फैसला किया है। सरकार से हुई मीटिंग के बाद किसानों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं होगा। आंदोलन की आगे की रणनीति कल यानी 24 दिसंबर को बताई जाएगी। इसके अलावा पंजाब के किसान संगठनों की तरफ से कांग्रेस सरकार पर 2017 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। किसान संगठनों का कहना है कि पंजाब की सरकार जानबूझकर कोई फैसला नहीं ले रही है और वो आचार संहिता लागू होने का इंतज़ार कर रही है। अब कोरोना। देश में कोरोना वायरस का नया
वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन देश में अब तक 15 राज्यों में फैल चुका है और कुल मामलों की संख्या बढ़कर 280 हो गई है। देश में ओमिक्रॉन ने सबसे ज़्यादा मामले जो महाराष्ट्र में सामने आए हैं, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से अब तक 65 और दिल्ली में 64 लोग संक्रमित हो चुके हैं। साथ देश में 24 घंटों में कोरोना के 7,400 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 434 मरीजों की मौत हुई है। वहीं वैक्सीन की बात करें तो देश में कोरोना वैक्सीन को अब तक 138 करोड़ से ज़्यादा डोज दी जा चुकी है, जिनमें करीब 70,17,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट न्यूज़ क्लिक पर लॉगिन कीजिए, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़ क्लिक से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।